सेशन कोर्ट टंडोवाला हयार की अदालत में पेशी के लिए आने वाले एमकेएम पाकिस्तान के जिली रहनुमा खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा और उसके भाई आसिफ खानजादा पर नामालूम मुस्लिह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा शदीद जख्मी होने के बाद मौके पर ही जहां बाग हो गए, जबकि मकतूल का भाई मौजाना तौर पर बच गया। मस्कुरा वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जीएसएन के रहनुमा असद जिस्कानी को असलह समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जबकि खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा की हलाकत की इतला पर एमकेएम पाकिस्तान के वर्कर हमदर्द उनके रिश्तेदार मुश्तल हो गए, जिन्होंने टंडोलाहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर टायर नजर आतिश करके शाहराएं ब्लॉक कर दी, जबकि कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। अलावा जिन सिविल अस्पताल में मकतूल खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा की पोस्टमार्टम के बाद लाश को सिविल अस्पताल के बाहर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एमकेएम पाकिस्तान के एमपीए राशिद खिलजी, एमपीए नासिर कुरैशी, मोहम्मद अली शाह, शफीक अहमद जोनल इंचार्ज, रईस खानजादा और दीगर ने कहा कि खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा का खून रायगान नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस इंतजामिया को 24 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने मुलजमान को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार नहीं किया तो एसएसपी को मुअत्तल किया जाए, वरना एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से शटर बंद हड़ताल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि पुलिस ने मकतूल खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा के भाई आसिफ खानजादा की फरियाद पर जीएसएन के रहनुमा असद जिस्कानी, जीशान जिस्कानी, अफजल जिस्कानी और एक नामालूम मुलजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि इलाके में खौफ व हरास की फिजा कायम है। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस तैनात कर दी है। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलक्यारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।